वहीं रामपुर के केमरी रेलवे के पास दो शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें, रामपुर के थाना कैमरी क्षेत्र के रेलवे लाइन पर दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद हुआ है और वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें, अभी इन दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस आसपास क्षेत्रों में इन दोनों शवों की पहचान करने में जुटी हुई है और साथ साथ लोगों से जानकारी भी ले रही है। इसी को देखते हुए आपको बता दें, रेलवे लाइन के पास दो शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां पर एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद हुआ है। थाना केमरी का यह पूरा मामला फिलहाल आपके सामने है, जहां पुलिस ने फिलहाल इन दोनों ही शवों को, जो कि महिला और पुरुष के हैं, उनको फिलहाल पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल आपको बता दें, रेलवे लाइन के पास ये दो शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। उसकी सूचना पुलिस को भी तत्काल प्रभाव से दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन महिला और पुरुष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस इन दोनों ही शवों की पहचान करने में जुटी हुई है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश फोन लाइन पर है। सुरेश, क्या अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि शव किसके हैं, क्या पहचान हो पाई है? बता दूं, रामपुर के रेलवे केंद्रीय रेलवे स्टेशन जो है, रामपुर से कोडवराम को जो जा रहा है, वहां पर दो शव मिलते हैं। जहां पुलिस को जब दो शव मिले तो अचानक हड़कंप समझ गया। देखने वाली बात यह है कि जो दोनों शव है वो एक महिला और एक पुरुष का है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये सब आए कहां सर, क्योंकि वहां पर पुलिस ने काफी छानबीन की, वहां पर पूछताछ भी की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन इस तरीके का कोई भी अभी उनको क्लू नहीं मिला है कि जिससे सबों की पहचान हो सके। जी सुरेश, क्या पुलिस ने आसपास मौजूद किसी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर इनकी पहचान हो पाई है? जी बता दूं, जांच करने हेतु उन्होंने ये लिखा भी है कि ये सबों की पहचान करने के लिए जो पुराने पोस्टर लगे थे उनके थाने में, उनसे भी देखभाल की, पूछताछ की और देखा, लेकिन कहीं भी मिलाने पर भी जो रहेंगे फोटो उनके नहीं मिल पा रहे, क्योंकि सबों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कहीं से कहीं तक कोई पहचान नहीं हो पा रही है। आसपास के थानों में उन्होंने ये सूचना दे दी है कि इस तरीके से अगर कहीं पर भी कोई सूचना मिलती है तुरंत संपर्क करें। सुरेश, जैसा कि आप बता रहे कि काफी पुराने शव हैं, तो कितने पुराने शव बताए जा रहे हैं, साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या अभी तक सामने आ पाया है? लगभग सब जो है 4 दिन या 5 दिन पुराने हैं, क्योंकि वो अभी भी ट्रैक पर ही पड़े थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आसपास जो ट्रैक की घास वगैरह थी उसमें कहीं थोड़ा छिप से गए थे, वो दिख नहीं पा रहे थे। एक जो वहां के लोग थे उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, और अभी तक कोई भी उसकी जानकारी सही तरीके से नहीं पा रही कि ये कहां के लोग हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश कुमार, तमाम जानकारी देने के लिए।